And well, yes, the suspense over Maharashtra Chief Minister Face continues. Today, Eknath Shinde briefed the media and said that the final decision on CM Face will be taken by Prime Minister Modi and the BJP top brass. He further said that whatever decision is taken by the BJP top brass will be accepted. Meanwhile, Devendra Fadnavis, who has emerged as the front runner for the Chief Minister Face, is in Nagpur. Fadnavis said that the Mahayuti leaders will hold a key meeting on November 29 where Alliance will chalk out the strategy for government making. Remember, tomorrow is the big meeting that the Mahayuti leaders will be holding with the BJP top brass, Jagat Prakash Nadda and Union Home Minister Amit Shah. But first, let's listen in to what the Shinde Sena had to say, specifically what Eknath Shinde had to say just few minutes back. ने देखा है कि दो चार रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि हम, मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी का तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। मुख्यमंत्री कोण होणार आहे, या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल, तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे, त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते। आधी मुख्यमंत्री ठरेल तर मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील, त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्याला लक्षात येतील। विरोधी पक्ष आता जन आंदोलन सुरू करत आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे केसेस करायचे आदेश दिलेले शरद पवार असतील सगळ्या, याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा, ईव्हीएम टेम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे, हा रडीचढा आता बंद केला। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मते ठाकरेंना मिळाली नसल्यामुळे ते आगामी निवडणुका स्वभावावर लढवणार असल्याचं, ते महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची चर्चा आहे मला याची, भाजपा आता स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वभावावर लढणार अशी चर्चा, ते तर आम्ही मिळून ठरवतो, काही अजून वेळ आता।